सो वेल दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं IQOO Z3 स्मार्टफोन के बारे में। इसके अंदर दोस्तों कुछ ऐसी लीक्स आई है कि ये स्मार्टफोन दोस्तों वीवो और ओप्पो को बीट कर सकता है, क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि वीवो और ओप्पो के स्मार्टफोन अंडर 20,000 रेंज के अंदर इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाले स्मार्टफोन बन गए हैं। तो इस वजह से दोस्तों IQOO Z3 स्मार्टफोन एक ऐसा स्मार्टफोन होगा जो कि दोस्तों आपको अंडर 20,000 रेट में देखने के लिए मिल जाएगा। और इसके अंदर दोस्तों आपको देखने के लिए मिल सकता है स्नैपड्रैगन 768 वाला प्रोसेसर, जो कि दोस्तों आपको अंडर 20,000 के रेंज के अंदर देखने के लिए मिलेगा। ऐसा दोस्तों IQOO Z3 ने साफ साफ अनाउंस कर दिया है। अगर दोस्तों बात करें IQOO Z3 स्मार्टफोन के बारे में, तो ये दोस्तों वीवो कंपनी के सब ब्रांड वाला स्मार्टफोन है, जो कि दोस्तों यहाँ पर ऐसे ऐसे स्मार्टफोन लॉन्च करता है जो कि दोस्तों आपकी पर्सनैलिटी वाइज वो बहुत अच्छा स्मार्टफोन बनाता है। अगर दोस्तों IQOO Z3 के डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में जाने तो दोस्तों ये लगभग आपको वीवो V20 SE की जैसा या फिर वीवो V21 स्मार्टफोन जैसा देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि शायद उसका आपको सब ब्रांड देखने के लिए मिल सकता है। अगर दोस्तों इसके डिस्प्ले के बारे में जाना जाए तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी ने साफ साफ बता दिया कि 120 हर्ट्ज़ तक का रिफ्रेश रेट आपको स्मार्टफोन के अंदर देखने के लिए मिल सकता है, जो कि दोस्तों आपको 6.67 इंच तक की सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर दोस्तों अगर आप गेमिंग वगैरह करना चाहते हो वो दोस्तों आप बहुत अच्छी तरह इस वाले स्मार्टफोन के अंदर कर सकते हो। और दोस्तों इसी के साथ साथ मैंने आप सभी को बता ही दिया था कि इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 768 वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाएगा, और इसी के साथ साथ दोस्तों गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर एंड्रीनो 618 वाला ग्राफिक कार्ड भी देखने के लिए मिल सकता है, जिसके साथ साथ दोस्तों आप बहुत अच्छी गेमिंग भी कर सकते हो। अगर बैटरी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको कंपनी ने बताया कि आपको 5000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिल जाएगी 60W के सुपर फास्ट डार्ट चार्जर के साथ, जो कि आपके फ़ोन को लगभग आधे घंटे के अंदर तक चार्ज कर सकता है। इस कंपनी से रिलेटेड एक लीक ये भी है दोस्तों, ये स्मार्टफोन आपको 5G फुली इस बाइक 5G बीट देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि दोस्तों अगर आपको एक स्मार्टफोन चाहिए अंडर 20,000 की रेंज के अंदर तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट हो सकता है। और मैं पर दोस्तों अगर बात करें स्मार्टफोन के कैमरेज के बारे में, दोस्तों इस वीडियो में अगर कैमरा ही रह गया है तो ये स्मार्टफोन दोस्तों आपको गिम्बल कैमरा देखने के लिए मिल सकता है 108 मेगापिक्सल तक का, ऐसा दोस्तों ये लीक है। वैसे गिम्बल कैमरा नहीं देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ऐसा आपको वीवो V20 वाली सीरीज में देखने के लिए मिला था। और यहाँ पर दोस्तों ऐसा लीक एक भी है कि 108 मेगापिक्सल शायद आपको प्राइमरी कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा, और दोस्तों दूसरा कैमरा आपको यहाँ पर 32 मेगापिक्सल तक का, और बाकी दोस्तों 13 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल तक का देखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों जो दूसरी वेबसाइट्स बताती हैं यहाँ पर, उनका कहना यह है कि आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ भी देखने के लिए मिल सकता है। तो ये थी दोस्तों इसमें एक लेटेस्ट वीडियो। इसी तरह से दोस्तों लेटेस्ट स्मार्टफोन से रिलेटेड अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।